नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस अखंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 129 है और आप लोग खुद देख लीजिए, यह पीसीएस पाठशाला की तरफ से 11,000 रामबाण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। यह पूरा का पूरा 11,000 रामबाण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है पीसीएस पाठशाला की तरफ से। जो खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, आरपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो या फिर उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, हर एक दिवसीय एग्जाम के नज़रिए से यह 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें कुल मिलाकर 1,048 पेज का यह पूरा का पूरा पीडीएफ है। और आप लोग यह जान लीजिए, यूपीएससी की कुल 15 प्रतिष्ठित पुस्तकों का सार गर्भित अवलोकन है इसमें, पूरा का पूरा सार गर्भित अध्ययन है। यूपीएससी की कुल 15 प्रतिष्ठित पुस्तकों का सार गर्भित अध्ययन है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं विषय सूची में क्या क्या रहेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, कला और संस्कृति, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और आविष्कार, इसमें पूरा का पूरा मिलाकर कुल 15 पोर्शन दिए हुए हैं और इसमें कुल 11,000 रामबाण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है दोस्तों। कुल 11,000 रामबाण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है और आप खुद देख सकते हैं, पूरा का पूरा भूगोल, पूरा का पूरा इतिहास, पूरा का पूरा राज्य व्यवस्था, कंप्यूटर साइंस, सबको कवर किया गया है इसमें। और आज यह टेस्ट संख्या 129 है। अगर यह पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यह मेरा फ़ोनपे नंबर है 8381 72 76, 83 18 39 83 18 39 72 76, यह मेरा फ़ोनपे भी है और व्हाट्सएप भी है। आप लोग को पे करना होगा ओनली 300 आपको पे करना होगा फ़ोनपे पर। आप उसके बाद आप स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, यह पीडीएफ आप लोग के व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। और आप लोग यह भी जानना है, यह पूरा का पूरा रामबाण टेस्ट सीरीज है, पूरा का पूरा रामबाण टेस्ट सीरीज है। कोई भी परीक्षा हो हिंदुस्तान की तरफ, कोई भी परीक्षा हो, अगर उसमें जीएस के प्रश्न पूछते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस पीडीएफ से आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए टेस्ट संख्या 129 शुरू करते हैं। और जो लोग फ़ोनपे यूज नहीं करते हैं, वह भी व्हाट्सएप पे आएंगे, मैं उनको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे दूंगा, जिससे वो भी पेमेंट कर पाएंगे और यह पीडीएफ ले पाएंगे। और यह जो 83 18 39 72 76, यह मेरा फ़ोनपे नंबर है और व्हाट्सएप भी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जिक्र कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी यह रहेगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 426 देखिएगा, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों के निवृत्त होने की जो अवधि होती है वह प्रति दो वर्ष, विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 427 देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वह होती है 12, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 428 देखिए, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए, उपरोक्त सभी के सभी उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन, यह सभी के सभी उद्देश्य हैं, मतलब विकल्प डी जो है वो सही है आपका। प्रश्न संख्या 429 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रसारित व्यय नहीं है? कौन भारतीय संचित निधि पर प्रसारित व्यय नहीं है यह बताना है आपको। तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, पंचवर्षीय योजनाओं पर जो व्यय है वो भारतीय संचित निधि पर प्रसारित व्यय नहीं है, मतलब विकल्प ए जो है वो सही है। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता जा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, बहुत कुछ बताना बाकी है आप लोग को। प्रश्न संख्या 430 देखिएगा, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो देखिए, इसमें विकल्प डी सही है, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बनता है, अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर राज्यसभा का सदस्यता लेना होगा आपको, लोकसभा या राज्यसभा का। प्रश्न संख्या 431 देखिए, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो न्यायपालिका का कार्य होता है नियमों का पालन कराना, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 432 देखिएगा, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है, जो ऑप्शन इसमें सही है इसे यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है, इस तरह से आप लोग मिला भी सकते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है सांसदों के वेतन का निर्णय, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 433 देखिए, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को किस परिस्थिति के अंदर भंग किया जा सकता है? राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती।
प्रश्न संख्या 434 देखिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, विकल्प बी वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है अनुच्छेद 112 में। प्रश्न संख्या 435 देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, मतलब जीबी मावलंकर, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 436 देखिए, मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद के आकार और सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री निर्णय करता है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 437 देखिए, निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। तो समुचित उत्तर का पहचान करना है, तो इसमें विकल्प ए सही है, विकल्प ए। विकल्प ए के क्या कह रहा है? दोनों सही है, विकल्प ए का मतलब दोनों सही है। देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्ति किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता आवश्यक होना चाहिए। तो देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी योग्यता की शर्त यह होती है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह शर्त होता है। तो यह ए भी सही है, एक भी सही है। दूसरा देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, तो यह भी सही है। वन और टू दोनों सही है, मतलब दोनों सही है, मतलब विकल्प ए। प्रश्न संख्या 438 देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो विकल्प डी, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 429 देखिए, निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो देखिए, संघीय सूची, संघीय सूची पर निर्णय बनाने का अधिकार संसद को होता है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 440 देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, विकल्प बी। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी 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 बोल रहा हूँ, तो आप लोग यूट्यूब में ऐसी सुविधा होती है कि आप स्लो कर सकते हैं, उसे मैं धीरे धीरे बोल आपको सुनाई देगा। प्रश्न संख्या 441 देखिएगा, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो विकल्प ए, राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। देखिए, राज्य में होता है महाधिवक्ता और केंद्र में कौन होता है? महान्यायवादी। तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 442 देखिएगा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया? तो 1976 में किया गया था सीमा निर्धारण, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 443 देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सदस्य को नामित करने का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति को होता है, विकल्प ए। मतलब जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति उनको नामित करता है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 444, अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। अधीनस्थ विधायन समिति जो होती है किससे संबंधित होती है? तो प्रत्यायोजित विधायन से, प्रत्यायोजित विधायन से, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 445 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 446 देखिएगा, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो देखिए, 14 दिन के अंदर लौटा दिए जाने चाहिए, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 447 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा का कोई भी भूमिका नहीं होती है? तो किसमें राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल होता है, अध्यक्ष के निर्वाचन में, मतलब राज्यसभा अध्यक्ष के लिए, तो यह भी इसमें भी भूमिका होता है। सी देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में भूमिका होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भूमिका होता है, राष्ट्रपति के महाभियोग में भी भूमिका होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भी राज्यसभा का भूमिका होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया हमसे, अध्यक्ष के निर्वाचन में, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, और जो उसका पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होने के कारण वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसमें राज्यसभा सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है,
जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सदस्य जरूर होगा, तो यहाँ विकल्प बी होगा। प्रश्न 448 देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए अब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन में पारित कर दिया गया हो और दूसरे सदन में निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा गया हो, तो वह अवधि होती है 6 महीने तक। 6 महीने तक, अगर 6 महीने तक राज्यसभा में कोई भी विधेयक अगर लंबित है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर 6 महीने तक कोई विधेयक लंबित है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, तो वो होता है विकल्प बी 6 महीने। प्रश्न 449 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो कौन सी सदस्य समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 300 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 450 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, संसद में शामिल है, संसद में कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद में शामिल होते हैं, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यह 11,000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज है और अगर यह टेस्ट सीरीज या पूरा का पूरा PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा हमने बता दिया है कि किस तरह आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।